हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 40 करेंगे। सोशल साइंस और एनवायरनमेंट, क्लास 7, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन में आज हम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में जानेंगे। नॉट ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड आर सेम, सभी प्लेसेस सेम नहीं है। कुछ ड्राई डेजर्ट्स हैं, कहीं पे कुछ जमे हुए लैंड, और कहीं पे बहुत गर्म गर्म बारिश है और रेन फॉरेस्ट है। द वे ऑफ लिविंग जो है इन एरिया में ये अलग अलग है अकॉर्डिंग टू अलग अलग प्लेसेस। इन द कमिंग वर्कशीट हमने जाना लाइफ के बारे में कुछ नेचुरल रीजन्स की वर्ल्ड की। तो जो ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच स्थित है। तो आज हम अमेजोन बेसिन के बारे में जानेंगे जो कि इसी रीजन में पाया जाता है। तो लाइफ कैसी होती है अमेजोन बेसिन में? ज्योग्राफिकल लोकेशन, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। द एरिया दैट लाइज, जो एरिया लाए होता है ये 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर में पाया जाता है, जिसको इक्विलेटरल रीजन भी कहा जाता है। अमेजोन रिवर जो है फ्लो करती है इस रीजन के थ्रू। द रिवर बेसिन जो है इसमें कुछ पोर्शन ब्राजील का, पेरू के हिस्से, बोलीविया, इक्वेडर, कोलंबिया और थोड़ा सा वेनेजुएला का पार्ट भी होता है। तो अमेजोन रिवर फ्लोज द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशियन। जो न्यूमरस ट्यूबेटरीज है यहाँ पे, तो क्लाइमेट क्या है? तो देयर इज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल गर्म जो है वो रहता है। अगला, बोथ डे एंड नाइट जो है ये ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं। तो जो डे और नाइट है ये दोनों ही जो है ये जो होते हैं ये दोनों हॉट और ह्यूमिड ही होते हैं। तो इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, यहाँ पे बारिश हर दिन होती है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, जो कि किसी वार्निंग के बिना हो जाती है। जो डे टेम्परेचर है बहुत ही हाई होता है और ह्यूमिडिटी बहुत होती है। एट नाइट यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये बहुत ही गिर जाता है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ही हाई रहती है। अब एक फैक्ट है, व्हेन जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे उन्होंने डिस्कवर किया अमेजोन बेसिन को, इनको अटैक किया गया एक ट्राइब्स के ग्रुप के थ्रू, जिन्होंने हेड गियर पहन रखे थे और स्कर्ट्स पहन रखी थी। और यहाँ पे कुछ वुमेन वॉरियर्स थी जो एनिशियंट रोमन एम्पायर की थी, हैंस इस जगह का नाम क्या पड़ा? अमेजोन। ट्री बैटरी क्या होती है? तो देयर आर कुछ स्मॉल स्मॉल रिवर्स होती हैं जो कि मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं, इसे ट्री बैटरी कहते हैं। रिवर बेसिन जो मेन रिवर होती है इसमें कुछ ट्रॉ बैटरी होती हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी ड्रेन होने लगती है, तो एक लैंड टाइप का बना लेती हैं जिसको ट्री रिवर बेसिन कहा जाता है। अब आपको ट्री बैटरीज बतानी है अमेजोन रिवर की, तो मैरानन, जापुरा, पुटुया, ओकैली, पुरुष, माडीरा, ताजा पोस एंड जिंगू। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ का एक्सटेंट क्या है? तो ट्रॉपिकल रीजन जो है ये सिचुएटेड है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अगला, इन विच कॉन्टिनेंट हमारा अमेजोन बेसिन है? तो साउथ अमेरिका। अब कंसिडर करना है क्लाइमेट अमेजोन बेसिन का, तो आप कौन टाइप की ड्रेस पहनेंगे? तो द अमेजोन बेसिन जो है यहाँ पे बहुत ही हॉट और ह्यूमिड है, तो मैं क्या पहनूंगा? कॉटन क्लोथ पहनूंगा, और आप भी। तो इस तरह से आप आंसर्स को लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है, अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।